लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास बिल्ले सुर बकरीहा का भाग दस मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में बिल्लेसुर जैसा लिख चुके हैं दुख कम हूं देखते देखते उसकी डरावनी सूरत को बार बार चुनौती दे चुके थे कभी हार नहीं खाई आजकल शहरों में महात्मा गांधी के बकरी का दूध पीने के कारण दूध बकरीदी की बड़ी खपत है इसलिए गाय के दूध से उसका भाव भी तेज है मुमकिन देहात में भी ये प्रचलन बढ़ा हो पर बिल्लेसुर के समय सारा संसार बकरी के दूध से घृणा करता था जो बहुत बीमार पड़ते थे जिनके लिए गाय का दूध भी मना था उन्हें बकरी के दूध की व्यवस्था दी जाती थी बिल्लेसुर के गांव में ऐसा एक भी मरीज नहीं आया जब दूध बेचा नहीं बिका किसी को कृपापात्र बनवाए रहने के लिए व्यवहार में देने पर मुंह बनाने लगा तब बिल्लेसुर ने खोया बनाना शुरू किया बकरी के दूध का खोया बनाने में पहले प्रकृति बाधक हुई बकरी के दूध में पानी का हिस्सा बहुत रहता है बड़ी लकड़ी लगानी पड़ी बड़ी देर तक चूल्हे के किनारे बैठा रहना पड़ा बड़ी मेहनत पहाड़ खोदने के बाद जब चूहिया निकली खोए का छोटा सा गोला बना तब मन भी छोटा पड़ गया भैंस के दूध के भर में पाव भर का आधा भी नहीं होता था धीरज बांधकर बेचने गए भजना हलवाई जोधपुर वाले के हाँ वो गट्टे काट रहा था जल्दी में उसने देखा नहीं तौल कर दाम दे दिए दूसरे दिन गए तो तौल कर रख लिया सुर ने पूछा दाम उसने कहा दाम कल दे चुका हूं मैं समझा था भैंस का खोया है ये बकरी का खोया है बकरी के खोए के आधे दाम भी बहुत है मैं बकरी का खोया नहीं लेता अब न ले आना सारी मिठाई बर्बाद हो जाती है गाहक गाली देते हैं ना घी है ना स्वाद जो कुछ थोड़ा सा घी निकलता है वो दूसरे घी में मिलाया नहीं जा सकता कुल घी बदबू छोड़ने लगता है बिल्ले सुर सिर झुकाकर चुपचाप चले आए माल है पर बिकता नहीं एक तरकीब निकाली इसमें खोया बनाने से कम मेहनत पड़ती है कंडे की आग पर्चा कर हंडी में दूध रख देने लगे अपना काम भी करते थे दूध गर्म हो जाने पर ठंडा करके जमा देते थे दूसरे दिन मथकर कर मक्खन निकाल लेते थे मट्ठा खुद भी पीते थे बच्चों को भी पिलाते थे मक्खन का घी बनाकर उसमें चौथाई हिस्सा भैंस का घी खरीद कर मिला देते थे और छटाक आध पाव सस्ते भाव में बाजार जाकर बेच आते दे थे देहात में गाय भैंस और बकरी का मिला घी भी बिकता है जिनके यहां जानवरों की दोनों या तीनों किस्में हैं वे दूध अलग अलग नहीं जमाते बिल्ले सुर का काम चल निकला बकरे के मारे जाने को उन्होंने हानि लाभ जीवन मरण की फिलॉसफी में शुमार कर अपने भविष्य की ओर देखा उन्होंने निश्चय किया बकरियों को हार में चराने न ले जाएंगे घर में ही खिलाएंगे जब तक खेत तैयार न हो जाए और शकरकंद की बॉडी न लग जाए सवेरा होते ही बिल्लेसुर फावड़ा लेकर खेत में जुटे रात को इतनी पत्ती काट लाए थे कि आज दिन भर के लिए बकरियों को काफ़ी चारा था बकरियां और बच्चे उसी तरह कोठरी और दहलीज में बंद थे फावड़े से खेत गोड़ते देखकर गांव के लोग मज़ाक करने लगे लेकिन बिल्लेसुर बोले नहीं काम में जुटे रहे दोपहर होते होते काफी जगह गोड़ डाली देखकर छाती ठंडी हो गई दिल को भरोसा हुआ कि छह सात दिन में अपनी मेहनत से बकरे का घाटा पूरा कर लेंगे दोपहर होने पर घर आए नहाकर लपसी बनाई और खाकर कुछ देर आराम किया दोपहर अच्छी तरह ढल गई तीसरा पहर पूरा नहीं हुआ था उठकर फिर खेत गोड़ने चले शाम तक खेत गोड़कर बकरियों के लिए पत्ते काटकर पहर भर रात होते घर आए सात दिन की जगह पांच ही दिन में बिल्लेसर ने खेत का वो हिस्सा गोड़ डाला खेत से एक पार्टी निकाल ली लोग पूछते थे क्या बोने का इरादा है बिल्लेसर बिल्लेस कहते थे भंग देहात में कोई किसी को मन नहीं देता यों कहीं भी नहीं देता बिल्लेसर पता लगाकर शकरकंद की बॉडी ले आए एक दिन लोगों ने देखा बिल्लेसुर शकरकंद लगा रहे हैं पानी बरसने और शकरकंद की बॉडी के फैलने के साथ बिल्लेसर आलू की जैसी मेड़ों पर मिट्टी चढ़ाने लगे अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास बिल्लेसुर बकरीहा का भाग दस मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में